हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं खीरी पे दूध क्यों डाल रही हूँ और इस तरीके से हाथों पे सिंदूर क्यों लगा रही हूँ, जी हाँ दोस्तों, और मैं इस तरीके से गोभी को क्यों दिखा रही हूँ, तो चलिए ये सब जानने के लिए ट्रिक को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस तरीके से जब हम गर्मियों में सिंदूर लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि ये जो सिंदूर है हमारा काफ़ी बह जाता है और गर्मियों में कोई सूखा सिंदूर लगाना पसंद नहीं करता है। तो दोस्तों, ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए मैं लगा के दिखा रही हूँ कि इस तरीके से जब भी हम सिंदूर को लगाते हैं तो सिंदूर हमारा बिल्कुल ये इसमें से मिट जाता है, झड़ जाता है, बिल्कुल ये स्किन पे टच नहीं होता है। तो दोस्तों, इसी के लिए एक छोटा सा हैक टिप मैं लेके आई हूँ कि आपको कोई सा भी, आप देखिए जो सिर में तेल लगाते हैं वो भी ले सकते हैं, और मैंने लिया है वैसलीन। वैसलीन पे मैं ये ट्रिक दिखा रही हूँ कि वैसलीन आपको इस तरीके से लगा लेना है, और लगाने के बाद अब आप देखेंगे कि इसके ऊपर आप जब भी अपना मांग भरेंगे तो काफ़ी अच्छा ये स्किन पे टच भी रहेगा और ये बिल्कुल भी झड़ने वाला नहीं है, अब बिल्कुल ये अच्छी तरीके से खिल के कलर आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी अच्छी तरीके से इस पर चिपक रहा है, क्योंकि मैंने वैसलीन लगाया, ऑयली चीज़ कोई लगा के अगर आप इस तरीके से मांग भरेंगे तो काफ़ी अच्छा ये खिल के आता है और देखने में भी काफ़ी अच्छा आता है। तो दोस्तों, औरतों को इस सबसे बड़ा कहना होता है सिंदूर और बिंदी, कुछ लगाए या ना लगाए, लेकिन बिंदी सिंदूर बहुत ज़्यादा मायने रखता है हम हाउसवाइफ के लिए। तो अब आप देख पा रहे हैं वैसलीन लगाने के बाद मैंने लगाया है और मैंने अपने हाथों को काफ़ी हिलाया, बिल्कुल भी नहीं ये गिरा है। अब पहले ये मैं लगाई हूँ, अब आप ये देखिए जो मैंने लिक्विड थोड़ा सा करके वैसलीन में लगाया है और जो सूखा लगाया, अब आप देखिए काफ़ी परफेक्ट है ये। अगला है टिप दोस्तों, इस तरीके से एलईडी को लेके हैं। तो दोस्तों, एलईडी लगाना सभी को पसंद है, लेकिन जो गर्मी होती है ना तो हम सोचते हैं कि एलईडी की जो लाइट होती है हम सभी को चुभने वाला है, तो हम सोचते हैं कि जो इसकी रोशनी है ना ये कम से कम दिखे। तो दोस्तों, इसी के लिए एक छोटा सा है टिप है कि जब भी आपको एलईडी की रोशनी या कम लाइट चाहिए तो देखिए इस तरीके से आपको बैलून ले लेना है। बैलून का मैं ऊपर वाला ये जो पार्ट है मैंने इसको कटिंग कर दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से, और जो ये माउथ वाला पार्ट है मैंने ले लिया है और इस तरीके से देखिए एलईडी के ऊपर लगा रही हूँ। तो ये थोड़ा देखिए ये अच्छी तरीके से लग भी जाता है, तो पकड़ते हुए इसको जितना एलईडी का ये बल्ब वाला ये कांच वाला हिस्सा है, ये फाइबर वाला हिस्सा है, इसको मैं यहाँ तक के चढ़ा लेती हूँ। अब आप देखेंगे जब भी आप इस तरीके से बल्ब को लगाएंगे ना, अब आपका ये जो लाइट की रोशनी है बिल्कुल डिम रहेगा, और आपको क्या है कि दोस्तों गर्मियों में इसको चुभेगा ही नहीं इसकी लाइट की रोशनी, और काफ़ी परफेक्ट है। आप इसको नाइट में भी ये बहुत ही अच्छा काम करने वाला है, बिल्कुल आपको अलग से बल्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके का कोई भी कलर आप बल्ब का लगा सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आइडिया, जी हाँ दोस्तों। अगला है टिप दोस्तों, जब भी हम साबुन को अपने बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा ये साबुनदानी में सुबह का ये साबुन रखी हूँ, लेकिन आप देख पा रहे हैं अब ये शाम हो चुका है फिर भी हमारा साबुन नहीं सूखा हुआ है। इस तरीके से जो साबुन है ये काफ़ी वेस्ट होता है और नुकसान भी होता है, तो यही चीज़ हम बचाने के लिए मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि इस तरीके से स्पंज फोम ले लेना है। ये जो स्पंज फोम है आप अपनी ये जो साबुनदानी है इसके हिसाब से काट लेना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। बस ये काटने के बाद आपको इसके बराबर में इसको रख लेना है। तो देखिए एक साइड मैंने रख लिया है, आप चाहे तो दोनों साइड भी रख सकते हैं। तो देखिए ये सूखा हुआ है, अब इसके ऊपर आप इसको साबुन को रख दीजिए, आप देखेंगे आपका साबुन बिल्कुल भी नहीं गलेगा और काफ़ी लंबे समय तक के चलेगा, अब बिल्कुल भी साबुन आपका वेस्ट नहीं होगा। चाहे तो आप दोनों तरफ भी रख सकते हैं, मैंने एक ही साइड रख के दिखाया हुआ है। और आप ये जो स्पंज फोम है इसको अच्छी तरीके से धुल भी सकते हैं, और धुलने के बाद अच्छी तरीके से इसको निचोड़ के आप अपनी साबुनदानी में इसको कवर करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो नुकसान होने वाला चीज़ है बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला है टिप दोस्तों, इस तरीके से खीरे को लेके है। तो दोस्तों, गर्मियों का दिन आ चुका है, खीरा खाना किसको नहीं पसंद है, हम सभी को पसंद है, लेकिन होता क्या है खीरे हम इतने कभी कभी ऐसे समय में खीरा काफ़ी महंगा रहता है, लेकिन जब खीरा हम छील के इसको काटते हैं तो आपने देखा होगा अंदर से खीरा कड़वा निकल जाता है। खाने के साथ सलाद के साथ हम लेके बैठते हैं तो खीरा हमारा कड़वा निकल जाता है, तो इसके लिए हम क्या करें, सारा स्वाद भी खराब हो जाता है और पैसे तो नुकसान होते ही होते हैं।
तो दोस्तों इसीलिए एक छोटा सा एक टिप है कि जब भी आप इस तरीके से खीरा आप ले आते हैं, अगर आपका खीरा कड़वा निकल गया तो आपको दूध ले लेना है, बिल्कुल चिल्ड कूल दूध ले लेना है, फ्रिज का ठंडा। तो देखिए अगर कच्चा दूध है तो ज़्यादा बेटर है, इस तरीके से खीरे के ऊपर डाल दीजिए। अगर खीरा ज़्यादा है तो खीरे को पलट भी सकते हैं। और इस तरीके से डालने के बाद आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट तक के छोड़ दीजिए खीरा। अब ये सोचेंगे कि हमारा खीरा नुकसान हो जाएगा, जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तरीके से दूध आप 2 से 3 चम्मच डाल देंगे तो डालने के बाद अब आप देखेंगे कि खीरा जितना कड़वाहटपन है दूध बिल्कुल ये एब्जॉय कर लेगा। और जब भी आपको खाना है तो इसको अच्छी तरीके से पानी से धुल के इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, जितना भी खीरे का कड़वापन है बिल्कुल ये बाहर निकल जाएगा। अगला एक टिप दोस्तों, हम हाउसवाइफ सब्जियां काटना, किचन का काम करना, हम सभी को बहुत ज़्यादा एक जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन कभी कभी सोचते हैं कि हम कोई भी सब्जी बारीक से बारीक काटें, लेकिन बारीक से बारीक काटने के बाद क्या होता है ना, कभी जल्दी काम रहता है, जल्दी हमारी सब्जियाँ पक जाए। तो दोस्तों ये लौकी ऐसा होता है कि जल्दी पकता नहीं, तो आपने देखा होगा मैंने किस तरीके से काटा है। तो देखिए ये जो ग्रेटर होता है जिससे हम चिप्स काटते हैं, अगर आप इससे काटेंगे ना तो आपकी जो लौकी है ना बिल्कुल बारीक से बारीक कटेगा, अब बिल्कुल कम समय में कटेगा। अब बिल्कुल जब ये सब्जी को आप बनाएंगे ना, बिल्कुल 5 से 10 मिनट में ये सब्जी आपकी लौकी की बन के रेडी होने वाली है, और बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं खर्च होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है, इस ट्रिक को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, ग्रेटर से सब्जी काटने का तरीका। जैसे कि इस तरीके से आप खीरे का सलाद भी काट सकती हैं, बहुत ही अच्छा कटता है। मैं तो इससे काफ़ी चीज़ें काटती हूँ, देखिए खीरा हो गया, प्याज भी सलाद के लिए काटती हूँ, टमाटर भी काट सकती हैं। बहुत इजीली तरीके से आपका ये जो खीरा है ना बहुत इजीली तरीके से कट जाता है। अगला है टिप दोस्तों, ये मैंने गोभी लिया हुआ है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम हाउस वाइफ सुबह सुबह इतने काम में बिजी हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पास सुबह सुबह जो ये भागम भाग काम रहता है कम से कम काम रहे। तो दोस्तों क्या होता है, ये जो गोभी होता है काटने में टाइम भी लगता है, उसको देखने में भी काफ़ी इसमें देख के काटना पड़ता है। तो दोस्तों जब भी आपको गोभी काटना रहे, या तो इस तरीके के डिब्बे ले लेना है, रेफर को उतार देना है, या तो आप ऐसे ही रख लीजिए। देखिए मैं इसी तरीके से अपने काम को हैंडल करती हूँ और इजी भी कर लेती हूँ। तो देखिए जब भी गोभी मुझे बनाना रहता है, मैं इस तरीके से गोभी जब भी आता है मेरे घर में, इसको अच्छी तरीके से देख के मैं काट लेती हूँ, और काटने के बाद मैं इस तरीके से एक डिब्बे में कवर कर देती हूँ। अगर थोड़ा सा छोटा डिब्बा है, अगर चपटे टाइप में डिब्बा है तो उसमें भी रख सकते हैं, जैसे मिठाई वगैरह प्लास्टिक के डिब्बे भी होते हैं तो उसमें भी आप रख सकते हैं। अब देखिए इस गोभी को आप जब भी इस्तेमाल करना चाहे बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा, और ये जो गोभी है ना आपका काफ़ी लंबे समय तक के चलेगा, और इसको जब चाहे आप इसको इस्तेमाल करते कर सकते हैं। और सुबह के जो भागम भाग का काम रहता है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और काफ़ी आराम भी मिलेगा, और बहुत इजीली तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ट्रिक दोस्तों पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।